आ, बच्चों मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाने जा रहा हूँ यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट के जो रूल बने हैं डेबिट एंड क्रेडिट के वो अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं तो आप जानते हैं बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मैंने यहाँ पे प्लस रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस इसलिए लिख दिए क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के कॉलम तो अलग से बनाते ही नहीं हैं रेवेन्यूज़ यानी इनकम्स एंड गेन भी इंक्लूडेड और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन सब का ट्रीटमेंट कैपिटल के थ्रू ही किया जाता था इनके अलग से अकाउंट ओपन नहीं किए जाते थे रेवेन्यूज और इनकम कैपिटल में प्लस हो जाती थी गेन भी कैपिटल में प्लस हो जाता था एक्सपेंसिज एंड लॉसेज कैपिटल में से माइनस हो जाती थी मगर जब हम जरल एंट्रीज बनाया करेंगे या जब लेजर अकाउंट्स बनाया करेंगे तो वहाँ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे दैट्स वाई मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है ठीक है बच्चों और कैपिटल से रिलेट करके ही इंक्लूड किया है क्योंकि वहाँ पर भी हम कैपिटल के लॉजिक से ही इनको ट्रीट करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में तो दैट्स वाई मैंने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है और लिखा है एसेट्स इजिकल टू लैबिलटीज़ प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यूज़ प्लस क्यों होते हैं कैपिटल में और एक्सपेंस माइनस क्यों क्योंकि रेवेन्यूज़ कैपिटल को बढ़ाते हैं और एक्सपेंसिस कैपिटल को कम करते हैं सिंपल रीज़न ये होता है तो मैंने जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे जो माइनस का आइटम है उसको उठाकर मैं एसेट्स की तरफ ले आया और ये इक्वेशन इस तरह से बन गई कि एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज़ इक्वल टू लाइबीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यूज यानी एसेट्स और एक्सपेंस एक साइड में और लैब्टीज कैपिटल और रेवेन्यूज़ दूसरी साइड में यानी कि जो रूल मैं एसेट्स के लिए डिफाइन करूंगा वही उसके साथ वाले के लिए भी होंगे यानी एक्सपेंस के लिए और उसके अपोजिट रूल हो जाएंगे उसके अपोजिट वालों के लिए तो एक्सपेंस तो एसेट के साथ वाला है लाइबलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू एसेट के अपोजिट वाले हैं तो जो रूल एसेट्स का है वही रूल एक्सपेंस का हो जाएगा और जो रूल एसेट्स का है उसका अपोजिट रूल लाइबलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू पे लागू होगा और क्योंकि लाइबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू एक ही तरफ आते हैं तो जो रूल लाइबिलिटीज का होगा वही रूल कैपिटल का होगा वही रूल रेवेन्यू का भी होगा ठीक है बच्चों तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा रूल नहीं याद करना आपको केवल एसेट का ही रूल याद रखना है डेबिट एंड क्रेडिट का अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट और एसेट का रूल होता है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगी और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी यानी एसेट्स में प्लस का मतलब डेबिट इंक्रीज यानी एक तरह से प्लस ही होता है और डिक्रीज यानी माइनस होता है तो माइनस का मतलब डेबिट, क्रेडिट तो अगर एसेट का रूल यह है तो एक्सपेंस तो एसेट के साथ ही आता है इस इक्वेशन में आप देख भी सकते हो तो यही इसका मतलब यह हुआ कि वही रूल आपका एक्सपेंस का भी होता है इंक्रीज क्रेडिट और सॉरी तो इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट अब लाइबिलिटी का रूल क्या बनेगा इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट क्योंकि वो एसेट के अपोजिट होता है कैपिटल का रूल क्या होगा जो लाइबिलिटी का है इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट रेवेन्यू का रूल क्या होगा जो लाइबिलटी का है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट तो आपने एसेट का रूल याद रख लिया तो एक्सपेंस का रूल अपने आप आ जाएगा क्योंकि उसके साथ में ही आता है वो और लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू के रूल इनके अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि वो एसेट के अपोजिट साइड आते हैं तो मैंने आपको बच्चों देखिए एक का रूल सिखाया और आपको पाँचों के रूल आ गए हैं ठीक है बच्चों और इस इक्वेशन को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों और इसका एक स्क्रीन भी ले लीजिएगा ठीक है आपके काम आएगा शुरुआती दौर में जब तक आप थोड़े से परिपक्व नहीं हो जाते हैं और इतने ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आ जाती ये चीज़ें तब तक आप इनको देख देख के भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में आप लोग इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको इन रूल्स को सोचना भी नहीं पड़ेगा माइंड में अपने आप ही आपका डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो ऑलरेडी दिमाग में आ जाएगा बच्चों क्लियर बच्चों तो इस तरह से ये रूल्स बनाए गए हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को बेस मानकर बनाए गए रूल्स हैं ठीक है बच्चों एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बच्चों के काम आएगा क्लास इलेवन के बच्चों के काम आएगा ये इवन क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को भी अगर डाउट रहा करता है इस चीज़ को लेके तो वो दूर कर सकते हैं एंड इवन आगे जाके जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है मगर आगे जाके बी बी ए वगैरह कर रहे होते हैं या अपना कॉमर्स में शुरुआत कर रहे होते हैं बी बी ए बी सी या कुछ भी है वो कर रहे हैं आगे जाके एम बी ए भी करने जा रहे हैं तो वहाँ उनको अकाउंटिंग को फेस करना होता है और बहुत सारे लोग जो ऐसे क्लैरिकल जॉब में है या बैंकिंग या फाइनेंस वाले जॉब में तो उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए बच्चों ठीक है तो ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काम आएगा ये वीडियो तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर एवरी थैंक यू